फिलीपींस की तरफ से एक मूवी रिलीज हुई है आउटसाइड के नाम के, जिसको भाई नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है। भाई ये एक जॉम्बी टाइप मूवी है, मूवी को भाई फैमिली के साथ तुम चेक नहीं कर सकते। तो भाई बात करते हैं इस मूवी में क्या कुछ अच्छा है और क्या है बुरा। मूवी में कहानी फोकस करती है भाई आउटब्रेक फैल चुका है वहाँ पर, कहानी फोकस करती फ्रांसिस नाम के बंदे पर, उसकी बेबी और दो बेटों पर। भाई वो अपने पुराने फार्म हाउस घर में आते हैं, एक रिमोट आइलैंड टाइप जगह होती है बॉस। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये बंदा अपनी फैमिली को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, लेकिन इसका जो कि पास्ट होता है ना फ्रांसिस का, वो बहुत ही भयानक टाइप होता है। तो इसकी फैमिली को लगता है कि भैया ये अपना होशो हवास खो रहा है। तो इसके बाद घर में क्या कुछ होगा उसी चीज़ को जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना पड़ता है। ये मूवी हर तरह की ऑडियंस के लिए नहीं है। अगर इस मूवी को तुम सिंपली देखने जा रहे हो कि बहुत सारा तुम्हें एक्शन देखने को मिलेगा, जॉम्बीज ही जॉम्बी होंगे, तो आप गलत हो बॉस। इस मूवी में वो चीज़ें देखने को मिलती हैं लेकिन कम है। इस मूवी का ज़्यादा फोकस जो है इस फैमिली ड्रामे पर ही चलता रहता है। यानी कि जो कि फ्रांसिस नाम का बंदा, इसका पास्ट जिस घर में आता है, तो इसका जो कि बाप टाइप है वो इस पर काफ़ी अत्याचार करता था, वो फ्लैशबैक्स में हमें दिखाते रहते हैं। ये ऐसा बंदा होता है कि कभी इसके मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। फ्रांसिस की फैमिली बोलती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि जब आउटब्रेक फैल गया हो तो आप किधर भी सुरक्षित नहीं हो। दूसरी फैमिली सोचती है कि हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाने का है, लेकिन ये जो भाई साहब फ्रांसिस होते हैं ये कोई बात मानने वाला है नहीं। तो इसमें भाई सीक्रेट्स खुलते हैं, फैमिली के दरमियान लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ इस मूवी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी मूवी की लेंथ 2.5 घंटे है, तो ज़्यादा टाइम यही चलने वाला है, लेकिन साथ साथ आपको कुछ जॉम्बीज वाले सीन भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हमें कुछ अच्छा एक्शन टाइप देखने को मिल जाता है। यानी कि फ्रांसिस नाम का बंदा जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, वो देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। दूसरी इस मूवी मेरे को अच्छी चीज़ लगी है, जिसके भाई जॉम्बीज बनाए गए हैं यूनिक टाइप, उनकी जो कि आँखें हैं बिल्कुल काली हैं, और जो कि उनकी ज़बान पर आखिरी लफ्ज़ था तो वो बोलते ही रहते हैं। तो ये वाला कुछ अलग यूनिक टाइप देखने को मिला है। बाकी मूवी में जो कि भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट है अच्छी फील होती है इस फैमिली से रिलेटेड, जो कि एक्टर्स ने परफॉर्मेंस दिया है वो काफ़ी तगड़ा आपको देखने को मिलता है। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि जॉम्बीज वाले सीन भी तुम्हें देखने को मिलेंगे, लेकिन इस मूवी में ज़्यादा फैमिली ड्रामा चलने वाला है। तो इस मूवी को ज़रूर देखा जा सकता है, इसमें कुछ अच्छे इंटेंस मोमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर मुझे इस मूवी को रेटिंग देनी हो 5 में से 3 रेटिंग दूंगा। वीडियो करते हैं पर खत्म। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।